बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों में शुमार रणवीर शौरी ऐसे कलाकार है जिनकी बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान है, जो ऐसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जो बिल्कुल हटकर होती है। जैसे आमतौर पर बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं और रिलीज होती हैं, एक्शन लव रोमांस से भरपूर फिल्में। इस साल रणवीर शौरी हिस्सा बने हैं बिग बॉस ओटीटी के सीजन 3 का। इस वीडियो में एक नजर डालेंगे रणवीर शौरी की लाइफ जर्नी पर, कैसे हुआ था उनके करियर का आगाज। खोसला का घोसला, सिंह इज किंग, चांदनी चौक टू चाइना, भेजा फ्राई, मिठिया जैसी मूवीज में अदाकारी निभा चुके रणवीर शौरी की पहचान इसी प्रकार की फिल्मों से है, जो अपनी ऑडियंस के सामने अपनी अदाकारी से अलग ही जादू फेरते हैं। रणवीर शौरी मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन जब वे मात्र एक साल के थे तब उनका पूरा परिवार पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो गया था। रणवीर का ताल्लुकात ऐसे परिवार से था जो फिल्म मेकिंग के बिजनेस में मौजूद था। उनके फादर साहब केडी शौरी ने बॉलीवुड के ऐसे नामी फिल्मी कलाकारों के साथ काम किया है जिनमें राज कपूर, संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, यहाँ तक कि ऋषि कपूर भी शामिल है। लेकिन बाकी फिल्म निर्माताओं की तुलना में उनके फादर की कई ऐसी फिल्में रही थी जो बड़े पर्दे पर फ्लॉप साबित हुई थी। हर फिल्म निर्माता की लाइफ में डाउन फेज आता है, लेकिन जब रणवीर के फादर साहब की लाइफ में आया तब उस पीरियड ने उनके पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। रणवीर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनके परिवार का मुंबई में 2 मंजिला घर मौजूद था जिसमें वह रहा करते थे, लेकिन उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण उनका पूरा परिवार एक साल के अंदर ही किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। रणवीर अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई में काफी अच्छे थे, बल्कि वह प्ले और डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करा करते और जीता करते थे। लेकिन जब कॉलेज में पहुंचे तब उनकी दुनिया पूरी की पूरी बदल गई। फर्स्ट ईयर में साइंस स्ट्रीम चूज करने के बाद वह कुछ ही दिनों में कॉमर्स में शिफ्ट हो गए और कॉलेज के दूसरे साल में ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रीम में, और बाद में जाकर उन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया। रणवीर ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई तो बीच में छोड़ दी, लेकिन फिल्म मेकिंग के माहौल में पले बड़े होने के कारण उनका इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग में ही अपना करियर बनाने का था। बल्कि वह ये भी मानते थे अगर उनके फादर का फिल्म मेकिंग का बिजनेस ज्यादा कामयाब नहीं रहा तो भी वह इसी फील्ड में अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। जिसके बाद रणवीर ने फिल्म प्रोडक्शन के डिप्लोमा कोर्स में अपना दाखिला लिया जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन में। रणवीर की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अपने परिवार को रणवीर ने काम करना अपना डिप्लोमा खत्म होने के बाद ही शुरू कर दिया था। बल्कि नौकरी लगने से पहले रणवीर ने एज अ सेल्समैन के तौर पर भी काम करा हुआ है, जब वह इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के मूवी पार्ट बेचा करते थे। नौकरी की तलाश में कई प्रोडक्शन हाउसेस में धक्के खाने के बाद और कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के पास कई दिनों तक बिना एक पैसा कमाए भी काम करने के बाद जब डायरेक्टर्स उन्हें वहां से जाने को बोल देते थे, तब कई दिनों की तलाश करने के बाद उनकी पहली नौकरी लगी प्रोडक्शन हाउस प्लस चैनल में। प्लस चैनल उन दिनों में दूरदर्शन के लिए काफी शोज बनाया करता था। जब रणवीर प्लस चैनल के साथ जुड़े उनका पहला शो दूरदर्शन के लिए था मिर्च मसाला। प्लस चैनल के साथ वह एज सेगमेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। प्लस चैनल में नौकरी के दौरान रणवीर ने कई शोज में काम करा था, सिर्फ दूरदर्शन के लिए बल्कि दूसरे चैनल्स के लिए भी। साथ ही हमारे देश का पहला ऐसा शो जो पूरी तरह से इंग्लिश में था, जिसका प्रोडक्शन से लेकर शूटिंग तक सब कुछ हमारे ही देश में हुई थी, अ माउथफुल ऑफ स्काई। उसमें रणवीर ने पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान काम करा था जो दूरदर्शन पर आता था साल 1995 में। प्लस चैनल में काफी समय तक काम करने के बाद वह फिर जुड़े चैनल वी के साथ एज प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर नॉन फिक्शन के तौर पर, जिसमें रणवीर ने उस समय के सबसे पॉपुलर टीवी शो टाइमलेस टाइम पास को भी डायरेक्ट करा था, जिसको होस्ट करते थे एक्टर जावेद जाफरी। चैनल वी में काम करने के दौरान ही उनकी लाइफ में बड़ा शिफ्ट आया था, जिसके कारण ही कैमरे के पीछे रहने वाले रणवीर कैमरे के सामने आ गए थे चैनल वी में उनके बॉस शशांक घोष के कारण, क्योंकि वह पहले ऐसे इंसान थे जिन्हें रणवीर में कलाकार नजर आया था जो सबका मनोरंजन करना जानता था। इसके बाद रणवीर ने चैनल वी में एज अ वीडियो जॉकी के तौर पर भी काम करना शुरू कर दिया। 1998 से लेकर 2002 तक करीब 5 सालों तक वीडियो जॉकी के तौर पर काम करने के बाद वह कैसे अपना करियर आगे जारी रखे, कैमरे के आगे या कैमरे के पीछे, जिसके बाद रणवीर ने आगे डिसाइड करके थिएटर का रुख करा। रणवीर की पहली मूवी 2002 में शूट हुई थी और उनका डेब्यू हुआ था हिंदी फिल्म जगत में कलाकार के तौर पर मूवी एक छोटी सी लव स्टोरी से। रणवीर के करियर का बड़ा ब्रेक उन्हें 2008 में आई मूवी मिठिया से मिला था, जिसमें मूवी क्रिटिक्स ने नहीं बल्कि ऑडियंस ने भी रणवीर के काम की खूब प्रशंसा की थी। रणवीर आज भी जिस भी फिल्म में मौजूद होते हैं
उसमें वह अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाते हैं। चाहे 2007 में आई फिल्म ट्रैफिक सिग्नल हो, भेजा फ्राई हो, 2009 में आई सिंग इज किंग या चांदनी चौक टू चाइना हो, साल दर साल अपनी अदाकारी से रणवीर ने अपनी अलग ही छाप ऑडियंस के दिलों में बनाई है। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। साड़ी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा।